हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चंस। और आज के जो क्विज है वो आपकी 8th क्विज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको 10 सेकेंड्स में रिप्लाई करना है आंसर का। ओके, सो द क्वेश्चन इज, मोना इज अ ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शी बिलीव्स दैट हर एम्प्लॉयज आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इग्नोरिंग साइन दैट दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर। व्हाट परपेचुअल एरर इज मोना मोस्ट लाइकली यूजिंग? तो यहाँ पर आपको परपेचुअल एरर के बारे में बताना है। परसेप्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 2, दैट इज प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन रीड कर लीजिए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए। व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन? एंड द राइट आंसर इज 1, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राहुल हैज अ लो एब्सेंटिज्म रेट, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हेल्थ एंड हैज गुड हेल्थ हैबिट्स। ही इज लाइकली टू हैव अ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज 1, दैट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अजय बिलीव्स दैट मेन परफॉर्म बेटर इन ओरल प्रेजेंटेशन देन वुमेन। व्हाट शॉर्टकट हैज बीन यूज्ड इन दिस केस? एंड द राइट आंसर इज 4th, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। साधना इज सो ब्यूटिफुल, आई बेट शी इज स्मार्ट टू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द राइट आंसर इज 1, दैट इज हॉलो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन यू गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब एंड यू डिटरमिन इट इज बिकॉज योर बॉस डिसलाइक्स यू, यू आर मोस्ट लाइकली एग्जिबिटिंग विच एरर? एंड द राइट आंसर विल बी 4th, दैट इज सेल्फ सर्विंग बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्टिव रिटेंशन अकर्स वेन? एंड द राइट आंसर इज 1, दैट इज वी प्रोसेस स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटेड। So, option 1 is the right answer. Next question, question number 8. What is a perception check? A cognitive bias that makes us listen only to information we already agree with. Question number 2. A method teachers use to reward good listeners in the classroom. Option 3, any factor that gives in a way of good listening and decreases our ability to interpret correctly. And option 4, a response that allows you to state your interpretation and ask your partner whether or not that interpretation is correct. And the right answer is 4th, this is the perception check. Question 9. The process by which you become aware of messages through your senses is called and the right option is 4th, that is perception. Next question, question number 10. Which prevents you from seeing an individual as an individual rather than a member of a group? And the right answer is
third, that is estimates. And these are 10 questions. ये आपके 20 questions थे. I hope सारे ही questions आपको आपको clear होंगे. कोई भी अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you so much. Keep on watching and keep on learning.